क्या मिला रहे हो? मोहब्बत के साथ क्या मिला रहे हो? इसके बाद भी मोहब्बत मिला रहा है। पूरा देसी घी में बनाया और यहाँ का ये बहुत मतलब यहाँ बहुत सारी शौक है। कैसे हैं आप सब? होप तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर आज हम आए हैं जामा मस्जिद आए हैं हम फूड ब्लॉग शूट करने। यहाँ के जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत फेमस है, हम उन जगह जाएंगे, टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या जितना उनका नाम है उतना उनका टेस्ट है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। हम आज जाने वाले हैं कुरैशी, असलम और हाजी हुसैन, आई थिंक सो, इन जगह जाएंगे और टेस्ट करेंगे वहाँ की चीज़ें और आप उसके स्वाद आपके साथ शेयर करेंगे रिव्यूज। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं कुरैशी कबाब, जो कि कबाब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके नाम से पता चल रहा है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है चिकन कबाब एंड मटन कबाब। तो हम टेस्ट करके बताने वाले हैं कि जितना ये फेमस है उतना टेस्टी है या नहीं है। देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है इतना ज़्यादा बटर में। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम चिकन कबाब टेस्ट करते हैं। चिकन कबाब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे पता नहीं क्या क्या फ्लेवर आ रहा है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये इतना अच्छे से एकदम कुक्ड है ना कि इसके जो इतना सॉफ्ट इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं, जैसे इसमें सब कुछ मिक्स करके बनाया हो इसे, जैसे मिर्च का फ्लेवर है तो वो हर एक मतलब होता है ना, हर एक कण में आपको मिर्च का स्वाद आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। और स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, ऐसे पीक के नहीं है कि आपको चटनी के साथ खाना पड़े, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो अब हम खाएँगे मटन कबाब। ऑसम, मटन कबाब ज़्यादा बेस्ट है। इसमें भी सेम फ्लेवर थे बट मुझे ऐसे मटन वाला टेस्ट आ रहा है मटन वाले में। जो लोग मटन नहीं खाते, मतलब जैसे कि मैं मटन नहीं खाती ज़्यादा, तो चिकन कबाब वो लोग खा सकते हैं। और सॉफ्टनेस में भी चिकन वाला ज़्यादा सॉफ्ट है। तो गाइस, हम आ चुके हैं जामा मस्जिद का सबसे फेमस असलम चिकन। तो यहाँ का चिकन तैरता है अमूल बटर में। ये देखिए आपके कितना सारा अमूल बटर डाला जा रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं खाने के लिए। इन्होंने अपने शॉप पर फ्रेम में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लगाए हुए हैं। और यहाँ के मेन्यू में सबसे ज़्यादा फेमस बटर चिकन है, ऑल्सो कबाब भी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं हम यहाँ के ऑनर से। भैया पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम? राशिद अली असलम चिकन। राशिद अली असलम चिकन, मतलब नाम में ही लगा दिया आपने चिकन, ठीक है। तो भैया सबसे पहले बताइए कि कितने टाइम से है ये शॉप? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल, और तब से ऐसी चल रही है? इंशाल्लाह तब से ऐसी चल रही है और ज़्यादा भीड़ आती है। हाँ, ये समझो कि आधे से ज़्यादा तो वापिस चले जाते हैं। आज जब आ रही थी सब ने यही बोला कि आज तो रात होने वाली है, वहाँ जाना है। तो और वाकई में इतनी भीड़ है कि हमें सीट भी नहीं मिली अभी तक, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। हमारा इतना माशाल्लाह इतना फेमस है, अमूल बटर आ गया, समझो वो बार बार आता है। हाँ, अमूल बटर ऐसे डालते हैं जैसे पता नहीं पानी का यूज़ कर रहे हो। तो आपके यहाँ का स्पेशल क्या है भैया? स्पेशल असलम बटर चिकन। असलम बटर चिकन, इसके अलावा चिकन कबाब भी है, फिश टिक्का है, पनीर टिक्का है। हाँ जी, सब कुछ है। और भैया टाइमिंग क्या है? 12:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 11 बजे तक। 11 बजे तक लगा हुआ, तो लॉकडाउन लगा हुआ 11 बजे तक, इसलिए वरना 12:30-12:30 बजे तक होता है। और होम डिलीवरी? होम डिलीवरी भी है। ओके, वो हमारा अपना ही बंदा करता है। अच्छा, आपका अपना ही करता है, मतलब जोमेटो स्विगी पे नहीं है? नहीं, उस पर था लेकिन हमने बंद कर दिया। शुक्रिया। हम आ चुके हैं असलम चिकन पे और हमने ऑर्डर करा है बटर चिकन, जो यहाँ का सबसे
देगा।
भैया की शॉप पर आए हैं ट्राई करने के लिए। तो हम ये ट्राई करने वाले हैं ड्राई फ्रूट वाली, बहुत ज़्यादा वाटर है, जैसे कि तो इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है और ओवर मीठी नहीं है। ड्राई फ्रूट का टेस्ट है, इसमें पिस्ते का टेस्ट है, काजू, तिल और साफ पता चल रहा है कि देसी घी में प्योरली बनी है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी है चीज माल, बट मेनली ये ड्राई फ्रूट वाली बहुत ज़्यादा फेमस है और ये एकदम फ्रेश फ्रेश बनी है। और आप मानिएगा ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसका जो डो है ना हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप बाइट लेंगे ना तो ऐसे मुँह में घुलेगा। कौन सा वाला पिलाओगे भैया? शरबत मोहब्बत ही मोहब्बत। और शरबत मोहब्बत में क्या है? सारी मोहब्बत पड़ी है इसके अंदर। और नफरत वाले में? नफरत वाले में नफरत पड़ी हुई होती है, वो गर्मियों में आएगी। अच्छा गर्मी में धोनी पड़ रही ना। तो भैया इसमें क्या क्या मिला रहे हो आप? मोहब्बत के साथ क्या मिला रहे हो? इसके बाद भी मोहब्बत मिला रहे भैया। फ्रेश सामने बना रहे हैं, सामने मोहब्बत मिला रहे हैं। वाटरमेलन इसमें मिल्क है, इसमें रोज़ा है और स्पेशली मोहब्बत है इसके अंदर। किसकी? आपकी? आपकी भी और हमारी भी, मिलके बनाइए। और हमारी जनता की भी। जनता तो बेकार है, जनता तो वोटिंग कर किसी और को दे रही है। अरे भैया मेरी जनता अच्छी है। आइए कम इनसाइड, मज़ा आ जाएगा अंदर जाते ही। अल्टीमेट अंदर क्या है बॉडी में जाते। मुझे कब दोगे? थैंक यू। मैं क्या आटा? मैं पीछे में हूँ। ना मजा आ रहा है ठंड में, ठंडा बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मोहितो पी के लगता है ना, ऐसे इसको मीठा पी के अच्छा लग रहा है मुझे। एक गिलास कटी Hey guys, तो आपको यहाँ का फूड कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे दिल्ली में खाने के लिए जो मैंने अभी तक खाई भी नहीं थी। और जैसे कि शेरमाल मुझे इतना यूनिक और इतना अच्छा लगा, और एक शरबत मोहब्बत जो कि इतनी मोहब्बत से दिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे यहाँ के। जैसे वो कौन सा था, हाजिद कुरैशी नहीं, हाजिद हुसैन करके कोई एक शॉप थी, उन्होंने फ्राई चिकन खाया था। वो अंकल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मतलब ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिले, ऐसे ऐसा फूड यहाँ मिला जो कि बहुत अमेजिंग था। तो दिल्ली 6 का फूड आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग यहाँ आते हैं तो ज़रूर इन शॉप से जाइएगा और इन्हें ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो देख के आए हैं। और चलिए चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि क्या क्या मुझे नेक्स्ट खाना है और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी है। नेक्स्ट मैं आ रही हूँ आप लोगों की मनपसंद मार्केट में, तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट करिएगा, बिना कमेंट करिए मत जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।